किसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई हूँ? यूँ तो अपने सारे टेलीविजन एक्टर फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस देखने आई हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने सुना विवेक ओबरॉय भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। वही सीरियल जिनमें मैं काम करती हूँ वही सबसे अच्छे होते हैं। बेस्ट हीरो और हीरोइन कौन है? वो हीरो जो मेरे साथ काम करते हैं वो अच्छे होते हैं। मुझे लगता है अवार्ड मिलना इज अ रिवॉर्ड ना, तो अगर आप किसी को उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड करेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा, वो ज्यादा कोशिश करेंगे। और आज आप कैसा फील कर रहे हैं 2008 सेंसरी अवार्ड के समय? पहली बार नॉमिनेट हुई हूँ इस अवार्ड में, इतने सालों से ये अवार्ड है, आज पहली बार नॉमिनेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली इट फील्स अ लिटिल डिफरेंट, इट फील्स गुड। नॉमिनेशन किस में है और वो जानना? बेस्ट एक्टर में है। वही हमारा आई हैव नो आइडिया, लाइक बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मुझे पता नहीं और कुछ का नॉमिनेशन। मुझे लगता है रियलिटी शोज़ की जो रियलिटी होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं है उनमें पार्टिसिपेट करने के बारे में, आगे जाके दिमाग बदल गया तो पता नहीं। और एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर आप अवार्ड ये विन करती हैं तो कैसे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग है आपकी? आप लोग पार्टी दीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। A long running serial because the longer it runs the better it is for us. Not for the CEO, not for the industry. No, it's great for the industry, it's great for the actors, it's great for the performers, it's great for the producer and it's fantastic for the audience. The longer the connection. I don't somehow connect with that. No. You have to get the first tape of Kyunki and watch it till the end.